Hi friends, I am back again with you और आपका Brigadier Guide You YouTube channel के ऊपर स्वागत है जो कि एक VR1 platform के ऊपर आपके पास आ रहा है। तो ये SSB के videos के series में आज हम आपसे कुछ basics बात करेंगे। Friends, मुझे ये जान के बहुत खुशी है कि आपने अपने जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वो ये कि आपने भारत की armed forces में एक अधिकारी बन के देश की सेवा करना चाहते हैं। ऐसा निर्णय लेकर आपने ये सिद्ध कर दिया है कि आप एक बहुत उच्च कोटि के व्यक्तित्व के मालिक हैं जो कि सेवा भाव से अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपके इस लक्ष्य में शायद आपको लगता है कि आपकी सबसे बड़ी चुनौती सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू को क्लियर करने की है, क्योंकि यहाँ पर पास परसेंटेज 4% से कम है। इसलिए इस इंटरव्यू के विषय में आपके मन में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। ये भ्रांतियां आपके मन में आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ने फैलाई हैं। आपको ये बताया गया है कि यदि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में पास होना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई में एक टॉपर होना बहुत ज़रूरी है, 90% मार्क्स चाहिए। आपको ये भी बताया गया है कि अगर आप इस इंटरव्यू में रेकमेंड होना चाहते हैं तो आपको बड़े ही हाई लेवल की फिजिकल फिटनेस होना आप में ज़रूरी है। परंतु फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं, ऐसी कई भ्रांतियां जो आपके मन में घर कर चुकी हैं और आपको लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकती हैं। SSB में आपके व्यक्तित्व के अंदर कुछ खास क्वालिटीज़ को परखा जाता है जो आपके आर्म फोर्सेज के अंदर एक टीम लीडर की भूमिका अदा करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसमें आपके मार्क्स या आपका सामाजिक स्टेटस या आपका आर्थिक स्टेटस या आप देश के किस हिस्से में रहते हैं, इन सब चीज़ों की इसमें कोई भूमिका नहीं है। जब तक आप SSB में असेसर्स के सामने कुछ खास क्वालिटीज़ जैसे पावर टू हेल्प, ह्यूमन अप्रोच, लैंग्वेज ऑफ हार्ट, क्लियर कॉन्शियंस या हायर प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ जैसी कोई चीज़ें हैं, अगर आप इसको दर्शाते हैं तो आपका SSB में क्लियर होना बहुत ही आसान है। और इन सब क्वालिटीज़ के बहुत सारे उदाहरण हमें अपनी भारतीय संस्कृति में मिलते हैं, ग्रंथों में मिलते हैं। जैसे कि भीष्म पितामह ने अपनी क्लियर कॉन्शियस और हायर प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ को दर्शाते हुए जीवन भर अपना कर्तव्य निभाया, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। जटायु ने अक्षमता ना भी होते हुए रावण से माता सीता को बचाने के लिए टक्कर ले ली और अपनी पावर ऑफ हेल्प और ह्यूमेन अप्रोच को दर्शाते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ और अमर हो गया। इसी तरह से महाभारत में द्रौपदी ने कृष्ण जी से अपनी रक्षा के लिए अपनी लैंग्वेज ऑफ हार्ट का प्रयोग किया, और इसी तरह से शबरी जैसी एक छोटी जाति के सदस्य होते हुए भी उसने भगवान राम के लिए नदी किनारे 14 साल बिता दिए और उनके आने पर निस्वार्थ भाव से उनका पेट भरने के लिए अपने जूठे बेर खिला दिए और इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। इसी तरह से SSB क्लियर करने के लिए आपके अंदर कुछ खास किस्म के गुणों का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको दुश्मन के सामने अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, अपने देश की प्रतिष्ठा बचाने के लिए काम आता है। और इनमें से कुछ क्वालिटीज़ आपके मानस या मस्तिष्क की हैं, जिनको हम प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी भी बोला जाता है, और कुछ क्वालिटीज़ आपके हार्ट की हैं, जो आपने साथियों के लिए जो आप फील करते हैं या और जो दुश्मन में ऑपरेशंस के दौरान अपने साथियों की हिफाजत में काम आती हैं। और फिर कुछ क्वालिटीज़ हैं जैसे लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जो आपको अपने दुश्मन के सामने अपनी टुकड़ी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो आप प्रतिनिधित्व करेंगे उसमें काम आएंगी। और फिर एक फैक्टर जो ऐसा है जो आपकी पर्सनैलिटी में डायनामिज़म को दर्शाएगा और जो आपके अंदर लक्ष्य प्राप्त करने का कितना उत्साह है और कितनी मोटिवेशन है और कितना स्टैमिना है। और ये सब जो क्वालिटीज़ जो टोटल 15 हैं और इनको हम ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ यानी कि OLQs भी बोलते हैं, ये SSB के दौरान के 6 दिन के प्रवास में आप में 17 बार आंकी जाती हैं, जिसमें आपकी मानसिक क्षमता, कार्मिक क्षमता, व्यक्तित्व क्षमता को भिन्न भिन्न साइकोमेट्रिक्स या साइकोलॉजिकल तरीके से आपके व्यक्तित्व की परीक्षा ली जाती है। अब देखने में ये आया है कि हर साल 20 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए अप्लाई करते हैं, परंतु साल में केवल लगभग 2000 कैंडिडेट्स ही पास होकर अकेडमीज ज्वाइन करते हैं, जो कि भारत की अकेडमीज की कुल क्षमता जैसे NDA, IMA, OTA, Air Force Academy, Naval Academy इनसे बहुत कम है।
और भारत में आर्म फोर्सेस में बताया जाता है कि जूनियर लीडरशिप में तकरीबन 10,000 अधिकारियों की कमी है और एसएसबी में सक्सेस रेट केवल 3.64% एनुअली है। यदि आर्म फोर्सेस में 10,000 अधिकारियों की कमी है और एसएसबी एग्जाम में कुछ ग्रेस मार्क्स दे करके भारत में उन आर्म भारत की आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग अकेडमीज की वैकेंसीज को भरा जा सकता है तो वो क्यों नहीं करते? वो इसलिए कि एसएसबी में मेरिट बनाने के लिए मार्क्स का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु वो जो व्यक्तित्व की क्वालिटीज जो आप में हैं या नहीं हैं उनको आंका जाता है। मार्क्स का इसमें रोल बहुत कम है, वो सिर्फ सफल कैंडिडेट्स का मेरिट बनाने के काम आती हैं और आप सब लोग उन मार्क्स के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करते हुए उन 17 परीक्षाओं के सवालों के जवाब ढूंढने में अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं, जबकि आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए उन 15 OLQs के ऊपर जो 17 बार आपकी व्यक्तित्व में आंकी जाएंगी, और इसीलिए सक्सेस रेट जो है वो 4% से कम है। आपके व्यक्तित्व में ये 15 क्वालिटीज़ एसएसबी के दौरान साइकोलॉजिस्ट 5 बार, जीटीओ 10 बार और इन्वेस्टिगेटिंग इंटरव्यूइंग ऑफिसर 2 बार अलग अलग तरीके से टेस्ट करते हैं। जो अभी तक मैंने आपको बताया है अगर वो आपकी बात में समझ में आ गया है तो फिर आप ये सोचेंगे कि एसएसबी की प्रेपरेशन जो है वो किस तरीके से की जाए। इसका उत्तर ये है कि आप एसएसबी में जो 17 किस्म के टेस्ट होते हैं उनमें कुछ लिखित परीक्षाएं होती हैं जो आपको साइकोलॉजिस्ट देता है, कुछ मौखिक परीक्षाएं होती हैं जो आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर देता है और कुछ प्रैक्टिकल परीक्षा होती है जो आपको जीटीओ देता है। इसके अलावा आपका चाल चलन रहने का तरीका एसएसबी के दौरान कुछ लोग चोरी से वॉच करते हैं। तो अभी देखते हैं कि एसएसबी को पास करने के लिए आपने क्या प्लान बनाना है, बट प्रेपरेशन शुरू करने से पहले आपने कुछ सवाल अपने आप से करने हैं। पहला सवाल यह है क्या यह टेस्ट पास करना बहुत मुश्किल है? दूसरा सवाल यह है कि जो दुनिया भर में एसएसबी की गाइड जो बाजारों में हजारों के हिसाब से मिलती हैं क्या वो आपको कितना फ़ायदा दे सकती हैं? जो तीसरा यह है कि जो एसएसबी की कोचिंग अकेडमीज जो मोटी फीस लेती हैं और आपको सिखाने वाले उसमें सिखाने वाले सारे एसएसबी के भूतपूर्व साइकोलॉजिस्ट, भूतपूर्व आईओ और भूतपूर्व जीटीओ होते हैं, फिर भी एसएसबी में सक्सेस रेट 4% से नीचे क्यों है? ये टेस्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, परंतु यदि आप अपने नेचुरल तरीके से हर सिचुएशन में जो आपके सामने साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ या आईओ रखते हैं, अगर आप जो भी समाधान अपने मन में आता है उसको नेचुरल तरीके से आप दे देते हैं तो आपकी सफलता के चांसेस कई प्रतिशत बढ़ जाते हैं। पर चूंकि आप उन सवालों के जवाब ढूंढने गए थे और जो सवाल ढूंढ के लाए और उन जवाबों से आपने अपनी नेचुरल प्रतिभा को दबा दिया और जो नए ढूंढे हुए जवाब आपने अपनी पर्सनालिटी में अपने वहाँ पे आईओ, जीटीओ या साइकोलॉजिस्ट के सामने प्रदर्शित किए और वो क्या हुआ जब आपको वहाँ पे प्रेशर में डाला गया तो आपके ओरिजिनल्स निकल गए, आपको वो जवाब भूल गए और वो जो कॉन्ट्रडिक्शन नोटिस हुई उसकी वजह से आपके मन में आपकी उन 15 क्वालिटीज़ के बारे में एक भ्रम पैदा हो जाता है और उनकी असेसमेंट में आप शायद अपनी टुकड़ी को लीड करने के लिए या एक अच्छे लीडर आप नहीं माने जाते और आपको आर्म फोर्सेस के लिए रेकमेंड नहीं किया जाता। पर अब ये सवाल उठता है कि इस इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए। तैयारी में सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो 15 क्वालिटीज़ आपके व्यक्तित्व में देखी जा रही हैं वो मोस्टली आप में ऑलरेडी हैं, परंतु आप उसको स्वयं ना पहचान करके लोगों के नेगेटिव कमेंट्स सुन करके अपने आप को एक मायाजाल में बांध लेते हैं और अपने अंदर एसएसबी पास करने के लिए एक फियर क्रिएट कर लेते हैं और इस बैरियर को जो आपने अपने मस्तिष्क में बनाया है आपने इतना स्ट्रांग कर दिया है कि उसने आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को बाहर बिल्कुल नहीं आने दिया और चूंकि वो बाहर नहीं आए तो आपको रिजेक्ट कर दिया गया। अब इसको तोड़ने का तरीका ना आपको एसएसबी की कोचिंग अकेडमी में सिखाया जाता है ना ही एसएसबी गाइड्स में बताया जाता है और इनको दूर करने के लिए केवल कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा और आपको आपके वो मस्तिष्क के मायाजाल को ख़त्म करूंगा और आपकी नेचुरल एबिलिटी को बाहर लाने में आपकी हेल्प करूंगा और आपकी एसएसबी के सक्सेस को निश्चित करेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एसएसबी के अंदर ऐसा कोई जटिल सवाल या समस्या नहीं पूछी जाती जो आपकी काबिलियत से बाहर हो, क्योंकि सब सवाल आपके पीआईक्यू को पढ़ के पूछे जाते हैं, परंतु आपके इस मस्तिष्क के मायाजाल की वजह से
आपके आपको इस आर्टिफिशियल के तरीके की वजह से एक कभी ना सॉल्व होने वाली समस्या बना देते हैं। मेरे साथ जो ट्रेनिंग आप करेंगे उसमें हम आपके मस्तिष्क के जो साइकोमेट्रिक्स पे काम करेंगे और एनएलपी टेक्निक्स के हिसाब से उनकी मदद से हम आपकी हर समस्या का हल आप ही के अंदर से निकलाएंगे। और जहां तक एसएसबी कोचिंग एकेडमी और कोचिंग गाइड्स का सवाल है, वो केवल आपको उन 17 टेस्ट से अवगत कराते हैं जो एसएसबी के दौरान आपको दिए जाते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते। Appeared for written exam of CDS. Will you start your SSB preparations after clearing the CDS? If your answer is yes, then you're making the biggest mistake of your life.